जय हिंद दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से GLCIS के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है, जो पेपर नंबर 4 है, उसकी हम लोग बात करने वाले हैं। उसकी रणनीति को लेकर के एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए है, हम लोगों की तरफ से। और आप ये समझिए कि MPPSC की जो मुख्य परीक्षा है दोस्तों, इसके अंदर जिनको हम लोग GS के 4 पेपर बोलते हैं, GS के पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4। GS के ये जो चारों पेपर होते हैं, क्योंकि इथिक्स के पेपर को भी GS का ही पेपर मानते हैं हम लोग, इनमें मैं ये कहता हूँ हमेशा कि GS का पेपर सबसे ज़्यादा सरल है, सबसे ज़्यादा रोचक है, सबसे ज़्यादा व्यवहारिक है और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, सबसे ज़्यादा अंकदायी भी है। इसमें अच्छा स्कोर मिल सकता है यदि एक सही रणनीति से यदि हम लोग इस पेपर को तैयार करते हैं। ये एक ऐसा पेपर है जो कि आपके आपको जो आपकी रैंक रहेगी उसको बढ़ाने में मदद करता है बहुत अच्छे से। तो इसके लिए क्या एक सही स्ट्रेटजी होना चाहिए, क्या तरीका पढ़ने का होना चाहिए, इसमें किताबों की कितनी वैल्यू है और वास्तव में ये पेपर है क्या, ये समझाने की मैं आप लोगों को आज कोशिश करूंगा। तो इसको आपको बहुत ध्यान से, बहुत गंभीरता से इस लेक्चर को आप लोगों को देखना है और इसमें जो बताई जा रही बातें उनको अपनी तैयारी में शामिल करने की आपको यथासंभव कोशिश भी करना चाहिए दोस्तों। चलिए हम लोग बात शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले इसकी स्ट्रेटजी की जब बात करेंगे हम लोग, तो आपको एक चीज़ पर ध्यान देना है कि ये जो पेपर है ना, मैं आप लोगों से कहूँगा कि थोड़ी देर के लिए भले इस वीडियो को रोकें और अपने सामने पेपर 4 का सिलेबस रखें आप, ताकि मेरे द्वारा समझाई गई बातें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सकें। तो जब आप पेपर देखेंगे या सिलेबस देखेंगे तो आपको इस सिलेबस के शीर्ष में दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और लोक प्रशासन, ये 3 शब्द लिखे हुए दिखाई देंगे यहाँ पे। यानी कि देखिए 2020 में जब यहाँ सिलेबस चेंज हुआ है थोड़ा सा 2020 में, और थोड़ा सा पैटर्न भी बदला है इस पेपर का, इसके पहले इस पेपर का नाम सत्यनिष्ठा नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि था, वो 3 शब्द थे। लेकिन अभी यहाँ 3 शब्द क्या क्या हो गए, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और लोक प्रशासन। अब जब मैं आप लोगों को शून्य से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो हमारी बात यहीं से शुरू होगी कि इन शब्दों का क्या अर्थ है और इन 3 शब्दों को ही या इनका ही विस्तार पूरे सिलेबस में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो मेरी नज़र से एक बार इस सिलेबस को देखने की आप लोगों को कोशिश करनी है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग दर्शन की या फिलॉसफी की, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दर्शन क्या होता है, हम लोग अक्सर मंदिर जाते हैं, आप लोग भी जाते होंगे, और आप मंदिर से जब आते हैं तो आप क्या करके आते हैं वहाँ पर, तो आप बोलोगे कि हम मंदिर में दर्शन करके आए। आपने कभी किसी को ये कहते हुए नहीं सुना होगा कि मैं मंदिर में भगवान को देख के आया, या मैं मंदिर में आता हूँ देख के आता हूँ, ऐसा होता है क्या? हम यही बोलते हैं कि मैं मंदिर जा रहा हूँ दर्शन करके आता हूँ। तो एक शब्द होता है देखना और एक शब्द होता है दर्शन करना, इन दोनों में क्या अंतर है दोस्तों? तो इन दोनों में अंतर है भाव का। ध्यान दीजिएगा किसका अंतर है, है ना? आप लोग बिल्कुल मेरी बात से एग्री होंगे कि भाव का अंतर है ना? यहाँ अपने मनोभाव अलग होते हैं। देखना सिर्फ एक क्रिया होती है, लेकिन जब उस क्रिया के साथ भाव भी जुड़े हुए होते हैं, यानी जब हम अपने सारे इमोशंस को, सारे के सारे हमारे जो फीलिंग्स हैं उनके साथ में जब हम भगवान की प्रतिमा का दर्शन करते हैं तो उसको दर्शन कहते हैं, उसको देखना नहीं बोलते हैं। जब मैंने कई बार देखा है कि भगवान को सामने देख करके लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, भगवान को सामने देख करके किसी बड़े ज्योतिर्लिंग में देख लीजिएगा या किसी बड़े महान या प्रसिद्ध मंदिर में यदि हम लोग देखेंगे, तो जैसे ही भगवान का दर्शन मिलता है लोगों की आंखों से आंसू छूटने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनके सारे भाव जो उनके मन में हैं भगवान के प्रति, वो प्रकट होने लगते हैं, सामने आने लगते हैं। इसी तरीके से आप देखिए कि यहाँ दर्शन का मतलब क्या है, एक ऐसी विद्या होती है दर्शन जो सत्य और ज्ञान की खोज करता है, यानी कि वहाँ तक देखने की कोशिश करता है जहाँ तक वो अभी पहुँचा नहीं है। और कैसे देखने की कोशिश करता है? अपने विचारों से, अपने भावों के माध्यम से देखने की कोशिश करता है। ये आपको समझना है। देखिए है ना, कहते हैं ना, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, यानी कि कवि वहाँ तक भी देख लेता है, वहाँ तक भी सोच लेता है जो वास्तव में हुआ ही नहीं है। आप लोगों ने कविता जब पढ़ी होगी या भारतीय कविता का इतिहास जब आपने पढ़ा होगा तो आपने एक छायावाद देखा होगा, उसमें किसके बारे में पढ़ा होगा आपने? छायावाद। और छायावाद में क्या होता है,
छाया का मतलब ही होता है इमेज बनाना। क्या होता है? इमेज बनाना। अब आप देखिए कि जितने भी छायावादी विचारक हैं या छायावादी जो कवि वगैरह हैं, उनकी जितनी भी कविताएं यदि आप देखेंगे तो उसमें नंबर एक ईश्वर के बारे में, नंबर दो प्रकृति के बारे में, और नंबर तीन नायिका की सुंदरता के बारे में सिर्फ कल्पना की गई है, इमेज बनाई गई है, एक मानसिक प्रतिछाया, एक मानसिक तस्वीर खींचने की कोशिश की गई है। उसी को हम लोग कहते हैं दर्शन। समझ में आ रहा है? यानी कि आप ये जो लोग आपके सामने यहाँ दिख रहे हैं आपको अपनी स्क्रीन पर, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, भारतीय संदर्भ में हम बात करें तो बुद्ध हैं, महावीर हैं, कौटिल्य हैं, इन लोगों ने जीवन के बारे में, राज्य के बारे में, मानविक क्रियाओं के बारे में उतने पुरातन समय में हजारों वर्षों पहले जो कल्पना की थी वो आज साकार होते हुए दिख रही है। यानी कि उन्होंने क्या किया था? देख लिया था, दर्शन कर लिया था आज का। या जो यहाँ लिखा हुआ ना, सत्य और ज्ञान की खोज करना है ना, हम विचार करना सीखें, हम विचार करने की कला हमारे अंदर हो, बस उसी का नाम दर्शन शास्त्र होता है। एक ऐसा सब्जेक्ट है ये जो हमको सोचना सिखाता है, वहाँ तक सोचना सिखाता है या उस तरीके से सोचना सिखाता है जहाँ तक अभी मनुष्य पहुँचा भी नहीं है। समझ में आ रही बात? तो उनकी जो परिकल्पनाएं थी ना वो आज भी साकार होते हुए दिख रही हैं काफ़ी कुछ। तो ये चीज़ आपको यहाँ समझनी चाहिए। अब आप यदि आपकी पहली यूनिट देखेंगे आपके सिलेबस में, जब आपने फर्स्ट यूनिट आप लोग देखेंगे तो आपको उसमें दर्शन शास्त्र का ही पुट दिखाई देगा। यानी कि जितने भी महान विचारक हैं, समाज सुधारक हैं और दार्शनिक हैं, उनके दर्शन के बारे में, उनके विचारों के बारे में, उनकी परिकल्पनाओं के बारे में और उनके योगदान के बारे में ज़्यादातर चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलने वाली है। जो दूसरा शब्द है आपके सिलेबस में जो विस्तार स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है दोस्तों, वो है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान क्या होता है? देखिए नाम से लग रहा मन का विज्ञान। मन क्या होता है? तो मन का मतलब मेरा मतलब होता है, मेरे अनुसार मन का अर्थ होता है विचार। ऐसा कहते हैं कि एक मनुष्य जो है ना वो 24 घंटे में उसके मस्तिष्क में 60,000 विचार आ जाते हैं, 60,000 विचार। और आप कभी कल्पना करके देखिएगा या कभी अपने आप पे गौर कीजिएगा कि आप 24 घंटे में जितना भी विचार करते हो, जिसके भी बारे में या जितना भी आप सोचते हो ना, वो दूसरों के बारे में सोचते हो, आप अपने बारे में विचार नहीं करते हो कभी भी। सिर्फ अपने बारे में सोचने लग जाना या अपने अंतर के बारे में, अपने अंदर उतर करके सोचने लग जाना, उसी को अध्यात्म कहते हैं दोस्तों। यहाँ ध्यान दीजिए, अब ये जितने भी जो विचार आते हैं ये हमको परेशान ही करते हैं, देखिएगा आप लोग। और जो मानसिक समस्याएं होती ना, वो बहुत बड़ा कारण है हमारे सामाजिक और हमारे व्यक्तिगत जीवन को भी परेशान करती है, कई सारी डिस्प्यूट, कई सारे विचलन उसमें क्रिएट करती है। तो यहाँ जब हम लोग पढ़ेंगे तो देखिए, जो जितने मनोवैज्ञानिक है, चाहे प्लेटो, अरस्तु है, डेकार्ट है, ये सारे के सारे जितने भी विचारक के जो 16वीं शताब्दी में थे और उसके भी पहले ईसा पूर्व में थे, इन सभी ने है ना हमारी मानसिकता को नापने की कोशिश की है, हमारे विचारों को पकड़ने की कोशिश की है और कुछ ऐसी युक्तियां समझाने की कोशिश की है जिससे हम खुद को जान सकें। देखिए इसीलिए आप देखना कि दर्शन ये कहता है कि स्वयं को जानो। क्या कहता है? स्वयं को जानो। आप ये विचार कीजिए कि 2013 में UPSC ने इस पेपर नंबर 4 को, यानी कि एथिक्स के पेपर को अपनाया था और 2014 से इसको फॉलो कर लिया MPPSC ने, तो इसे क्या आवश्यकता आ पड़ी थी? थोड़ा सा विचार करके देखिए आप, क्या ज़रूरत थी, क्या ज़रूरत आ पड़ी थी है ना कि उनको ये पेपर जोड़ना पड़ा? क्योंकि ऐसे भावी अधिकारियों को चुनना चाहते हैं ये आयोग जो खुद को जानते हों, जो अपने मन को समझते हों, जो अपने मनोभावों पर नियंत्रण करना जानते हों और दूसरों के मनोभावों को भी सार्वजनिक हित के लिए कंट्रोल करना समझते हों, वो युक्ति वो जानते हों, इसी को कहा जाता है मनोविज्ञान। और आप देखेंगे कि यहाँ आपकी जो यूनिट नंबर 2 है खास तौर से, जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ सिलेबस में, वो पूरी मनोविज्ञान से रिलेटेड है। और बाकी जितने भी जो हम लोग इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं, वो कॉन्सेप्ट्स भी जो हैं वो किससे जुड़े हुए हैं? वो मन से जुड़े हुए हैं, मन के विचारों से जुड़े हुए हैं और बहुत इंटरेस्टिंग है। खास तौर से एथिक्स का जो नज़रिया मैं आप लोगों को देने की कोशिश कर रहा हूँ, यदि आप उसको समझेंगे तो आपको कोई खास बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है पेपर 4 के लिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि बुक नहीं पढ़ना है आपको, मैं ये कह रहा हूँ कि किताब का दास नहीं हो जाएंगे आप,
ठीक है, यहाँ से आपको ऐसा एक अप्रोच मिलेगा जिससे आप ये जो समाज है, जो आपका प्रैक्टिकल लाइफ है ना, वही आपके लिए किताब बन सकता है दोस्तों, और यही जरूरी भी है बहुत एक अच्छे अंक लाने के लिए। चलिए आगे बात करते हैं, जो तीसरा शब्द है वो है लोक प्रशासन, और ये तो आप लोग जानते हैं, लोक का मतलब होता है जनता और प्रशासन का मतलब होता है, क्या होता है, प्रशासन का मतलब होता है उनके लिए मैनेजमेंट करना, प्रबंध करना, है ना, या उनके लिए किसी भी कार्य को श्रेष्ठ तरीके से करना, जनता के लिए श्रेष्ठ तरीके से कार्य करना, है ना। ठीक है, अब बहुत जगह पर लोक प्रशासन को केवल कार्यपालिका का कार्य माना है, बहुत जगह पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों का काम माना है। ये एक अलग अलग विचारों के विचारकों के इसके बारे में अलग अलग विचार हैं। यहाँ पर जब हम एक लोक सेवक बनने जा रहे हैं तो हमें लोक सेवा क्या होती है, लोक सेवा में समर्पण क्या होता है, आचरण संहिता क्या होती है, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे बहुत अच्छे से। यहाँ पर वन बाय वन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो ये रहा हमारा सिलेबस का जो शीर्षक है, मैं फिर से बता दूँ शीर्षक क्या है, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और लोक प्रशासन। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को इन तीनों शब्दों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ताकि एक नज़रिया, एक सही अप्रोच आपके दिमाग में डेवलप हो सके इन तीनों शब्दों को लेकर के इस पूरे पेपर के बारे में। अब आइए आगे और तरीका समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये रहा आपका सिलेबस। अब देखिए एक तो होता है कि भाई हमने सिलेबस देख लिया, ठीक है, लेकिन एक होता है तरीका कि सिलेबस को वास्तव में क्या एक सही तरीका है, सिलेबस कैसे देखना आना चाहिए आपको, वो तरीका मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। और देखिए ये तीनों शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और लोक प्रशासन, जिनकी हम लोग बात कर चुके हैं। अब जो यूनिट नंबर वन है आपकी, देखिए यहाँ लिखा हुआ दार्शनिक, विचारक, समाज सुधारक। क्या शब्द हैं? दार्शनिक, विचारक, समाज सुधारक। अब ये जितने भी व्यक्तियों के यहाँ नाम दिए हुए हैं, अगर आप थोड़ा सा उस पर गौर करेंगे तो यहाँ पर आप देखना कि प्राचीन काल के भी हैं, यहाँ पर मध्यकाल के भी हैं, और यहाँ आधुनिक समय के भी विचारक या जो समाज सुधारक है या जो दार्शनिक है वो यहाँ शामिल हैं। दूसरी बात करें तो यहाँ आप देखिएगा कि यहाँ भारतीय भी दिखाई देंगे आपको, और यहाँ पश्चिमी विचारक भी आपको दिखाई देंगे, पश्चिमी विचारक भी यहाँ आपको दिखाई देंगे। देखिए वन बाय वन जब मैं आपको पढ़ूंगा तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम सुकरात की, तो सुकरात कौन है? प्राचीनकालीन है ना, और कहाँ का है? पश्चिमी जगत का कौन है? देखिए यहाँ जो शब्द है दार्शनिक है वो विचारक, समाज सुधारक, तो वो दार्शनिक या विचारक है। प्लेटो की बात करें तो वो भी कहाँ है? पश्चिमी दर्शन से रिलेटेड है, दार्शनिक है, और कैसा है? मध्यकालीन है। इसी तरीके से अरस्तु, अब देखिए ये प्लेटो और अरस्तु 2020 के पहले भी थे, लेकिन सुकरात नहीं थे आपके सिलेबस में, लेकिन जब भी मैं पढ़ाता था ना ऑफलाइन क्लास में भी, तो मैं पहले सुकरात को जरूर बताता था, क्योंकि सुकरात के दर्शन पर ही पूरा का पूरा पश्चिमी दर्शन जो है वो केंद्रित होता है दोस्तों, उसका विस्तार वहाँ पर देखने को मिलता है। तो सुकरात समझ में नहीं आता तो फिर प्लेटो को समझने में दिक्कत आ जाती है, प्लेटो यदि समझ में नहीं आता तो अरस्तु को समझने में भी दिक्कत हो जाती है। तो तीनों को एक लिंक के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए महावीर, बुद्ध, आचार्य, शंकर की बात करें, चार्वाक की बात करें, तो ये सबके सब प्राचीन हैं और सबके सब भारतीय दार्शनिक हैं, ये सबके सब दार्शनिक हैं। गुरु नानक, कबीर, तुलसीदास की बात करते हैं तो ये मध्यकालीन भारतीय समाज सुधारक और विचारक हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, सावित्रीबाई फूले, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, अरविंद और राधा कृष्णन की जब हम बात करते हैं तो ये सब के सब आधुनिक भारतीय विचारक हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए प्राचीनकालीन, मध्यकालीन, आधुनिक, और इनको भी दो कैटेगरी में बांटा गया है यहाँ पर, भारतीय और पश्चिमी। तो ऐसे तरीके से आपको यूनिट नंबर वन को देखना है, और यूनिट नंबर वन का सीधा सीधा संबंध दर्शन से है, दर्शन शास्त्र से है। फिर बात करते हैं यूनिट नंबर दो की, तो देखिए यूनिट नंबर जो दो है आप लोगों के सामने है, ये पूरी की पूरी मनोविज्ञान से रिलेटेड है। जो शब्द यहाँ दिया गया है ना, जिसमें सबसे पहले दिया हुआ मनोवृत्ति, फिर मनोवृत्ति की क्या विषय वस्तु है, क्या उसके तत्व होते हैं, क्या क्या प्रकार्य होते हैं, कैसे उसका निर्माण होता है, कैसे उसमें परिवर्तन होता है, प्रबोधक संप्रेषण क्या होता है जो हमारी मनोवृत्ति को बदलने के लिए होता है, पूर्वाग्रह क्या होते हैं, विभेद क्या होते हैं, भारतीय संदर्भ में रूढ़िवादिता का क्या मतलब है, फिर अभिक्षमता। देखिए अभिक्षमता का मतलब क्या होता है, मनोवृत्ति को कहते हैं हम लोग एटीट्यूड और अभिक्षमता को कहते हैं हम एप्टीट्यूड।
तो ये क्या होता है इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में लोक सेवा हेतु आधारभूत योग्यताएं क्या क्या होना चाहिए, यानी कि एक अच्छे लोक सेवक में क्या क्या गुण होना चाहिए, सत्यनिष्ठा क्या है, निष्पक्षता क्या है, असमर्थकवादी क्या है, वस्तुनिष्ठता क्या है, लोक सेवा के प्रति समर्पण, समानुभूति, सहिष्णुता, कमजोर वर्गों के प्रति संवेदना या करुणा, सांवेगिक बुद्धि क्या है, है ना, इसका प्रशासन में क्या उपयोगिता है या क्या अनुप्रयोग है, फिर व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या क्या होती हैं। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं दोस्तों, ये सारी की सारी चीज़ें आपके मनोविज्ञान से जुड़ी हुई है। इस तरीके से आपको सिलेबस में इन तीनों शब्दों का ही विस्तार देखने को मिलता है, जैसे मैंने बताया था। इकाई नंबर जो 3 है आपकी, वो कहती है कि लोक प्रशासन में नैतिक सद्गुण और मूल्य। देखिए, नैतिक सद्गुण और मूल्य जो है ना, इनका भी सीधा संबंध हमारे मनोविज्ञान से ही होता है दोस्तों, है ना। और यहाँ लोक प्रशासन शब्द भी दे दिया, यानी कि कैसी मानसिकता के लोग प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहिए, या ऐसा भी कह सकते हो कि लोक प्रशासन में जो लोग हैं या जो लोक सेवक हैं उनकी क्या मानसिकता होनी चाहिए, क्या मानसिक योग्यताएं उनमें होना चाहिए, कैसे नैतिक सद्गुण उनमें होना चाहिए, उसकी बात यहाँ पर है। तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, नैतिक तर्क करना, नैतिक दुविधा से बाहर निकलने के लिए नैतिक तर्क, फिर अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना आना चाहिए, समझना आना चाहिए, आचरण संहिता का पालन करना और उच्च मूल्यों का पालन करना। तो यूनिट नंबर 3 का सीधा सीधा संबंध लोक प्रशासन से है। यूनिट नंबर 4 भी लोक प्रशासन से ही है। वो लोक प्रशासन में जो एक बहुत बड़ी चारित्रिक बुराई है, जिसको हम क्या कहते हैं, भ्रष्टाचरण कहते हैं या भ्रष्टाचार कहते हैं, उसके बारे में पूरा दिया गया है। देखिए, भ्रष्टाचार के प्रकार, उसके कारण, भ्रष्टाचार का क्या प्रभाव है, भ्रष्टाचार को अल्पतम करने के क्या क्या उपाय हैं, समाज, सूचना तंत्र और परिवार, विसल ब्लोअर की क्या भूमिका है, भ्रष्टाचार पर राष्ट्र संघ की क्या घोषणा है, भ्रष्टाचार का कैसे मापन हो सकता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, लोकपाल और लोकायुक्त, ये सारा का सारा जो है भ्रष्टाचार के ऊपर 4th यूनिट है। जो 5th यूनिट है, अब ध्यान दीजिए, मैंने अभी शुरुआत में आपको कहा था कि GS के चारों पेपर में सबसे ज़्यादा सरल अगर कोई पेपर है तो वो है एथिक्स का पेपर, और एथिक्स के पेपर में भी सबसे ज़्यादा स्कोरिंग और अगर सबसे ज़्यादा सरल कोई चीज़ पूछी जाती है तो वो होती है दोस्तों केस स्टडी। अब जब ये बात मैं बोलता हूँ ना, तो बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पचती, वो क्योंकि उनको लगता है कि केस स्टडी बहुत कठिन बात होती है, बहुत कठिन चीज़ होती है। लेकिन केस स्टडी कोई एक ऐसी चीज़ नहीं होती कि जिसको मैं आपको एक बार लिखवा दूंगा या कोई भी टीचर आपको पढ़ा दे एक बार और वही आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो ये एक क्षमता होती है, एक हमारे एक एक कहना चाहिए कि एक हमारा एक एक विधा है ये कि आप केस को कैसे समझते हो और कैसे हल करते हो। तो इसके अंदर क्या क्या ट्रिक हो सकती है, क्या क्या वो युक्ति हो सकती है, क्या क्या वो अप्रोच हो सकती है, जिसको अपनाएंगे यदि आप, तो आपका सिलेक्शन दिलाने में ये केस स्टडी बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। और केस स्टडी में आपको 70% से ज़्यादा नंबर आराम से मिल जाएंगे, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जो मेरी अपनी स्ट्रेटजी है और जिसका मुझे लाभ भी मिला है। अब बात करते हैं, देखिए कि इसको पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, इसको पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है, आपने पूरा सिलेबस जब मेरे साथ में देखा तो आपको 3 चीज़ें नज़र आई होगी। नंबर 1 कि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, नंबर 2 इसमें बहुत सारे विचारक हैं, और नंबर 3 इसमें केस स्टडीज पूछी जाती हैं। यानी कि मोटे तौर पर यदि मैं आपको कहूं कि इसको कम से कम शब्दों में बताओ कि सिलेबस में क्या है, तो आप ये 3 शब्द बोल दीजिएगा कि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें कुछ थिंकर्स हैं और इसमें कुछ केस स्टडीज़ हैं। यानी कि 3 चीज़ें हैं कुल मिला के इस पेपर में, जिनके आसपास ही पूरी 5 यूनिट केंद्रित हैं। लेकिन इनको पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए, तो उसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर इस पेपर में कोई चीज़ है तो वो है अवधारणाएँ। क्यों? क्योंकि अवधारणाएँ पर ही सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। आप पिछले 14 से लेके और 20 तक के मेंस के पेपर देख लीजिए, आप मेरी बात से बिल्कुल एग्री करेंगे कि सबसे ज़्यादा अगर प्रश्न आते हैं एथिक्स के पेपर में, पेपर नंबर 4 में, तो वो किस पे आते हैं, वो कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं। ये यहाँ देख रहे हो आप, कॉन्सेप्ट्स हैं ये सारे के सारे। यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4, ये सब के सब कॉन्सेप्ट हैं। और दूसरी बात कि जो विचारक हैं, इन विचारकों ने भी इन्हीं अवधारणाओं को अपनी भाषा में अपने तरीके से समझाने की कोशिश की है, तो वो भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। और तीसरी चीज़, ये जो केस स्टडीज़ होती हैं दोस्तों, इनको हल करने के लिए भी, क्योंकि देखिए यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, आप गौर कीजिएगा, उम्मीद करता हूँ देख पा रहे होंगे आप लोग यहाँ पे,
थोड़ा सा बारीक है, आप लोग जूम करके देखिएगा इसको, कि जो केस स्टडीज़ हैं वहाँ पर क्या लिखा हुआ कि पाठ्यक्रम में सम्मिलित विषय वस्तु पर आधारित होगी। यानी कि जो केस स्टडीज़ हैं वो भी यहाँ 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 जो कॉन्सेप्ट्स दिए गए ना उन्हीं पर आधारित होंगी। मतलब क्या समझ में आ रहा है? ये समझ में आ गया कि इस पेपर में यदि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई चीज़ है जिस पर ये बाकी की सारी चीज़ें केंद्रित है तो वो है इसके अंदर दिए गए ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स। ये इन तीन यूनिट में जो दिए गए हैं ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं, ये सारे के सारी अवधारणाएं, ये सारी के सारी संकल्पनाएं आपको समझना जरूरी है सबसे पहले। अब जब हम बात कर रहे हैं कि भाई ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कॉन्सेप्ट, तो ये जो कॉन्सेप्ट है इनको हम कैसे पढ़ेंगे? तो आइए मैं आप लोगों को बताऊं कि सबसे पहले आपको क्या समझना चाहिए, हर एक अवधारणा का अर्थ समझ में आना चाहिए। मैं आपको दो चार करके बताता हूं अभी कि कैसे उसका अर्थ समझना है, साथ ही उसके लिए कुछ व्यवहारिक उदाहरणों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। व्यवहारिक यानी कि मान लीजिए जैसे अगर आप पढ़ रहे हो सत्य निष्ठा के बारे में, तो सत्य निष्ठा क्या होती है ये आपको बताना है सबसे पहले, और सत्य निष्ठा क्या होती है ये बताने के बाद में आपको ये बताने की कोशिश करनी है कि सत्य निष्ठा के कौन कौन से उदाहरण आपने अपनी ज़िंदगी में देखे। क्योंकि यहाँ जब प्रश्न पूछा जाता ना अपना मत रखिए इसके ऊपर, तो वहाँ आपको किताबी उदाहरण अगर आप लिखोगे तो वो कौन सी बुक का है वो पकड़ में आ जाता है। तो न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, डिबेट्स के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से और कहानी किस्सों के माध्यम से, हमारे धर्मशास्त्रों के पौराणिक कथाओं के माध्यम से आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स यहाँ पर रखना आना चाहिए। जैसे सत्यनिष्ठा की बात करें तो सत्यनिष्ठा का मतलब होता है कथनी और करनी में अंतर नहीं होना, और महाभारत में जो कर्ण था वो सत्यनिष्ठा का बहुत बड़ा उदाहरण था। उसको पता है कि मैं गलत साइड खड़ा हुआ हूँ, लेकिन चूंकि मैंने वचन दिया है मैं खड़ा हूँ तो फिर खड़ा हूँ, भले गलत के साथ खड़ा हूँ। समझ में आया? कथनी और करनी में अंतर ना होना, ऐसा ही चरित्र सत्यनिष्ठ कहलाता है, इसी को इंटीग्रिटी कहा जाता है दोस्तों। तो ऐसे एग्जाम्पल्स आपके पास होना चाहिए जो प्रैक्टिकल हो, जबरदस्ती के घुसाए हुए नहीं लगना चाहिए, है ना, और बनावटी नहीं लगना चाहिए। और दूसरी चीज़ की ये जो कॉन्सेप्ट है, एक अधिकारी जब आप बनेंगे तो ये आपके अंदर ये जो जितने भी चारित्रिक मूल्य हैं ये आपके अंदर होंगे तो ये क्या लाभ होगा समाज को इन चीज़ का, या एक लोक सेवक, एक आदर्श लोक सेवक में जब ये चीज़ होती है तो वो कितना महत्वपूर्ण होता है या क्या महत्वपूर्ण भूमिका वो समाज के लिए निभा सकता है। यानी कि इन सारी वैल्यूज़ की समाज में क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको बताना है। बात करते हैं कि विचारकों को कैसे पढ़ेंगे, तो विचारकों का दर्शन आपको समझना है, उनके विचारों को समझना है, और साथ ही उनके कृतित्व, उनके जीवन के माध्यम से उन्होंने क्या योगदान दिया है समाज के लिए वो आपको बहुत अच्छे से समझना आना चाहिए। तो ये चीज़ भी हम लोग यहाँ देखेंगे। फिर बात करते हैं केस स्टडीज़ की, तो केस स्टडीज़ के लिए मैं एक अलग से क्लास लाऊंगा आप लोगों के लिए, आप लोग ज़रूर उसका इंतज़ार कीजिएगा और उसको भरपूर उसका समर्थन कीजिएगा दोस्तों। उसमें मैं आप लोगों को कुछ ट्रिक बताऊंगा कि अगर इस ट्रिक से आप केस स्टडी सॉल्व करेंगे तो आपको 100% बहुत सफलता मिलेगी उसमें। तो ये मेरा एक आप लोगों के लिए संदेश था कि आप पेपर 4 की तैयारी कैसे करें, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट, जैसा मैंने यहाँ पे बताया, एक कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के सामने यहाँ रखने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, जैसे पहला ही कॉन्सेप्ट जो है वो है सत्य निष्ठा। मैं इसको आपको बता दूँ कि कैसे पढ़ते हैं विद एग्जांपल। इंटेग्रिटी या सत्य निष्ठा क्या होती, तो नैतिक मूल्यों के प्रति आचरण को सत्य निष्ठा कहते हैं। सबसे पहले तो ये समझना आना चाहिए कि नैतिक मूल्य क्या होते हैं। तो नैतिक मूल्य का मतलब ये होता है कि कोई भी जो समाज होता ना, उस समाज के द्वारा कुछ अपेक्षा की जाती है, कुछ गुणों को अपनाने की, कुछ आचरण करने की अपेक्षा अपने सदस्यों से की जाती है कि उनको ऐसा करना चाहिए। जैसे कि भाई कैसा हो, पत्नी कैसी हो, पुत्र कैसा हो, शिक्षक कैसा हो, छात्र कैसा हो, हर किसी की भूमिका के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, एक मूल्य जुड़ा हुआ है कि इसको आदर्श ऐसा होना चाहिए। और उसी जो चाहिए शब्द लगा हुआ ना, उसी को हम कहते हैं मूल्य। समझ में आया? और उनके प्रति आचरण को, यानी कि जब हम जो जैसा समाज हम एक आदर्श सदस्य के रूप में हमसे अपेक्षा कर रहा है, यदि वैसा वैसा ही हम आचरण करते हैं तो उसी आचरण को इंटेग्रिटी या सत्यनिष्ठा कहते हैं। इसका सामान्य अर्थ है कथनी और करनी में अंतर ना होना, जो मैंने कहा भी था कि जो देखिए इंसान के दो चेहरे होते हैं, एक वो जो सबके सामने दिखाता, एक जो वो जब कोई नहीं होता
जब सिर्फ खुद होता है तब उसका एक दूसरा पक्ष होता है, उसके व्यक्तित्व का दूसरा चेहरा होता है। तो जब वो चाहे दूसरों के सामने रहे या अकेला रहे, जब वो हमेशा एक जैसा रहता है तो उसको कहेंगे सत्यनिष्ठ है। यदि वो ऐसा नहीं करेगा तो यही भ्रष्ट आचरण कहलाता है, यही करप्शन कहलाता है कि मैं कहता कुछ और हूँ करता कुछ और हूँ। अब इसके क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं, तो देखिए, मतदाताओं या उपभोक्ताओं या नागरिकों के सामने कोई झूठा दावा ना करना। आप देखेंगे कि जब भी मतदान का समय निकट आने वाला होता है, चुनाव जब आते हैं, तो जो चुनाव में जो अभ्यर्थी होते हैं, जो उम्मीदवार होते हैं, वो जनता से बहुत सारे वादे करते हैं, मैनिफेस्टो लेके आते हैं, बोलते हैं बस मेरे को आप वोट देना, मैं आपके लिए ये काम कर दूंगा, बिल्कुल आपका बेटा हूँ, मैं तो नेता नहीं हूँ, बेटा हूँ। लेकिन जब वो बन जाता है फिर देखो आपकी कितना राजा बनता है वो, यानी कि वो सत्यनिष्ठा नहीं थी। अगर कोई ऐसा कह रहा है तो वास्तव में वो बेटा बन के दिखाए, यदि उस क्षेत्र की समस्याओं को वो अपनी समस्या समझ के दूर करे, राजधर्म निभाए, तो वो कहलाएगा कि वो सत्यनिष्ठ है। सफलता में उतना ही श्रेय लेना जितना योगदान वास्तव में उस व्यक्ति का है, अधिक श्रेय मिल रहा हो तो विनम्रता से अस्वीकार कर देना। देखिए, आज के समय में हर कोई प्रसिद्धि पाने के लिए श्रेय लेने की कोशिश करता है। अब मान लीजिए कि कोई एक ग्रुप सफल हुआ और उसमें मेरा योगदान बहुत ही कम था, लेकिन फिर भी उसका पूरा का पूरा क्रेडिट मुझे मिल रहा है, तो मैं यदि उसको स्वीकार कर लेता हूँ कि इस बात को कि नहीं, मेरा इसमें इतना योगदान नहीं था, इतना क्रेडिट पाने का मैं हकदार नहीं हूँ, जो है उसे दीजिए, पूरे टीम की सफलता ही मेरी अकेले की नहीं है, पूरी टीम का प्रयास था, अकेले का नहीं था। तो जब मैंने ऐसा चरित्र किया, जब मैंने ऐसा आचरण किया, तो इसी को सत्यनिष्ठा कहेंगे, है ना। मान लीजिए कि किसी पुलिस के छोटे पुलिसकर्मी ने एक बहुत बड़े अपराधी को पकड़ा और तारीफ मिल रही है, राष्ट्रपति अवार्ड मिल रहा है एसपी को, तो एसपी को खुद ना लेकर के क्या करना चाहिए, उसको आगे करना चाहिए जिस सिपाही ने उसको पकड़ा, और उसको अवार्ड दिलवाना चाहिए, यह कहलाएगी सत्यनिष्ठा। तो मैंने जैसा आपको कहा वैसे ही मैंने आपको यहाँ पर करके दिखा दिया, देखिए कि इस तरीके से पढ़ना है, और जरूर आपको एक नया अप्रोच, एक दृष्टिकोण जरूर मिला होगा। जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।